कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान न जाने कितनी नौकरियां चली गई, कई उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन कोरोना काल में भी जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज ने अपनी छात्राओं के लिए इस बार भी ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन कराया। इसमें कुल मिलाकर 75 छात्राओं को विप्रो, टीएससी और दूसरी कंपनियों ने अपने लिए लॉक किया। कोरोना काल के लॉकडाउन पीरियड ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आए दिन हम लोगों की नौकरी जाने की खबर दिखाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं जो उत्साह बढ़ा देती हैं। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में मार्च से पहले कैंपस सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो लॉकडाउन लागू होने के बाद बाधित हुई। लेकिन प्राचार्या डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने छात्राओं के लिए ऑनलाइन कैंपस का आयोजन करवाया। इतना ही नहीं, चयनित होने के बाद छात्राओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए लॉकडाउन के दौरान फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाया। बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीए इकोनॉमिक्स समेत अन्य विषयों की फाइनल ईयर के कुल 75 छात्राओं को विप्रो, टीसीएस समेत अन्य कंपनियों ने लॉक कर लिया। विप्रो, टीसीएस, जिमपेट, ये सारे जिसमें उनको नौकरियां भी मिली। नौकरी मिलने के बाद हमारा ये हो गया कि हम एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकालते, तो वो एक उनका डेडलाइन था जो अगस्त का 10 या ऐसे कुछ था, जिसमें नहीं देने से उन लोगों की नौकरी, वो डेडलाइन के बाद वो उनको नहीं लेते, जो वेटिंग लिस्ट में था उनको ले लेते। तो इससे हम लोगों को एक हुआ कि हम लोग जल्दी से एग्जाम लें, तो हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्टमूज के जरिए, टेस्टमूज को हम लोगों ने एक खरीदा, अपने कॉलेज के नाम से रजिस्टर्ड किया, लाइसेंस लिया, और टेस्टमूज के जरिए हम लोगों ने फाइनल एग्जाम लिया और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला। उन लोगों का मार्कशीट भी सारा कुछ वेबसाइट में उनको दिया। विप्रो के लिए चयनित कीर्ति कुमारी और संयुक्ता दत्ता अपनी मार्कशीट लेने कॉलेज पहुंची और प्राचार्या का आशीर्वाद लिया। दोनों फिलहाल ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो पूना ज्वाइन करेंगी। छात्राओं को लगा था कि लॉकडाउन से अब उनका करियर रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चैलेंजेस यही थे कि बहुत सारे टेक्निकल इश्यू होता है, लाइक कभी कनेक्ट नहीं हो पाते, या बहुत बार जैसे हम लोग ने कभी इंटरव्यू फेस नहीं करा, तो नर्वसनेस वगैरह इन सब के थ्रू हम लोग सफर भी कर रहे थे और बहुत ज्यादा पैनिक भी हो रहे थे। लेकिन फिर यहाँ के फैकल्टीज ने, लाइक हमारी प्लेसमेंट वाली टीचर, हमारे सब्जेक्ट टीचर जो बीसीए के सर है, उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करा और बताया कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है ताकि हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू जा करके सही परफॉर्म कर पाए। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमें उम्मीद छोड़ी थी, क्योंकि ऑनबोर्डिंग के लिए एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स को होना बहुत जरूरी है। और बाकी सारे जगहों में मैं सुन रही थी कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, हमने एकदम उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन लास्टली जब मैम ने विद इन 10 डेज हमारे लिए एग्जाम शेड्यूल किया, हमारे सर ने तुरंत से सारे रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर किए, ये मतलब हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा हेल्प था। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को विमेन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। राज्य का ये पहला सरकारी कॉलेज है जिसने कुछ साल पहले कैंपस सिलेक्शन की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक कॉलेज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कोरोना काल में भी आई सुखद खबर ने छात्राओं का उत्साह दोगुना कर दिया। कैमरामैन अनवर के साथ जमशेदपुर से न्यूज 11 भारत के लिए अन्नी अमृता की रिपोर्ट।